अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, हमारे पास एक चाइना का टीवी है जी 15 इंच। इसमें फॉल्ट ये है कि ये सिर्फ रेड लाइट पर है, रिमोट वगैरह प्रेस करने पर ये ऑन वगैरह नहीं हो रहा। ठीक है जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं अब इसको ओपन करने लगा, उसके बाद चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से अब हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा। ये अब आप देख सकते हैं मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी, अब मैं इसके ग्रिप वगैरह उतार कर इसको सप्लाई के वोल्ट वगैरह चेक करता हूँ, आगे के वोल्ट चेक करता हूँ क्या वजह है जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। अब मैं इसके हिसाब से पहले आपको सप्लाई के वोल्ट चेक कराने लगा हूँ जी। ये 107-108 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, उसके नीचे ये वर्टिकल के वोल्ट आ रहे हैं 26 वोल्ट। ठीक है जी, ये रेगुलेटर के लिए 10 वोल्ट, ये आडियो के लिए। ठीक है जी, उसके बाद ये इसके चॉपर पर वोल्ट, ये भी आ रहे हैं। ठीक है जी, ये वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसके गन्नों के वोल्ट भी आ रहे हैं। ठीक है जी, ये इसके वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद ऐसे हमें ये मालूम हो रहा है सेट तो अब हमारा ये ऑन हो रहा है। ठीक है जी, क्योंकि ये इसके बेसिंग के जो वोल्ट आ रहे हैं ना छोटे ट्रांसफार्मर पर, ये इसके ये रिसेंस के बैक हिस्से से ये आप चेक कर लें, इसके 25 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, ये रिसेंस के आगे हिस्से से इसके 13 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि इसका ये वाला चॉपर काम कर रहा है, इसका फ्लाई बैक भी काम कर रहा है। ठीक है जी, ये इसके फ्लाई बैक काम करने का मकसद ये है कि इसके ये वोल्ट देख लें, ये 134 वोल्ट आ रहे हैं जो इसके 180 वोल्ट आने हैं। ठीक है जी, ये इसके वोल्ट कम आ रहे हैं। इसका आप हीटर चेक कर लेते हैं, इसका हीटर भी अब कम बन रहा है, 5 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे इसके योक के वोल्ट चेक कर लेते हैं जो इसके ऊपर जाने होते हैं। ठीक है, ये आप देख लें ये इसके 13 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, एक तरफ, दूसरी तरफ ये आप देख लें इसके एच आउटपुट पर 107 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसके नीचे दो वर्टिकल के पॉइंट हैं 13 वोल्ट। ठीक है, ये इसका एच आउटपुट वाला पॉइंट है। ठीक है जी, इसका ये फॉल्ट है, या तो इसकी वायर ओपन है जो इसकी इस तरफ से आओ कर आनी होती है, रेड वायर जाती है योक पर, योक से होकर दूसरी तरफ इस पर आती है। ठीक है जी, ये तो इधर से इसके बूस्टिंग बन रही है, वो इसके ये कैपेसिटर की मदद से। ठीक है जी, लेकिन इसके ये वाली वायर इसकी या तो ओपन है या इसका ये वाला मेलर जल चुका है। ठीक है जी, इसकी वजह से इसके इस जगह पर वोल्ट सिर्फ कम है, ज़्यादा नहीं है। अब मैं चेक करता हूँ या इसकी रेड वायर ओपन है, वो माँ बाप को दिखाता हूँ। ये वाली जो इसकी वायर है ना रेड, ठीक है जी, ये इसकी इस जगह से ये आप देख रहे हैं इसकी जल चुकी है, जिसकी वजह से ये इस जगह पर इसके पॉइंट होना था, इस पिन पर। ठीक है जी, इस पिन पर ये पॉइंट लगना था, ये ओपन हो चुका है, जल चुका है, जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा था। फ्रंट पर स्क्रीन कोई चीज़ शो नहीं कर रहा था इस जगह पर। ये अब मैं इसका लगाने लगा हूँ, अब फिर उसके बाद आपको वोल्ट भी इसके दोबारा चेक कराता हूँ। ये आप देख सकते हो मैंने इस पर ये सोल्डिंग कर दिया है। ठीक है, वायर को अब मैं इसको दोबारा वोल्ट भी आपको चेक कराता हूँ और टीवी भी दिखाता हूँ सेटअप हमारा ये ऑन हुआ कि नहीं हुआ। ये इसके जो आप पहले 12-13 वोल्ट आ रहे थे वो आप देख रहे हैं इसके 107 वोल्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये जो इसका इस जगह से जो जम्पर था, ठीक है जी, 107 वोल्ट का जो फ्लाई बैग से आ रहे थे, वो अब योक में चक्कर लेकर दोबारा इस पर आता है। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं इस पर 107 वोल्ट हो चुकी हैं। ठीक है, जो पहले इस पर 12-13 वोल्ट थे। ठीक है, और अब हमारा सेट भी ऑन हो चुका है फ्रंट से।
ये अब आप देख सकते हैं, अब हमारा टी वी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है जी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।